नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नवरात्रि पर नगर के मोहल्ला न्यू कटरा स्थित माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के दिन रविवार की शाम बेला में कन्नौज के विख्यात कथावाचक आचार्य मुरारी कृष्ण पांडेय ने कथा महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भक्ति, ज्ञान व वैराग्य प्राप्ति का एकमात्र साधन भागवत कथा श्रवण ही है। नव दुर्गा जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित कथा अंतर्गत भगवताचार्य श्री पांडेय ने कहा कि यदि एक बार भगवान की कथा श्रवण कर लें तो वह मानव भवसागर पार हो जाएगा। कथा श्रवण के बाद भी यदि मानव दुखी है तो समझो उसने मन से नियमित कथा श्रवण नहीं की। कथा श्रवण करते समय मन परमात्मा के दरबार में हो। उन्होंने कहा कि आजकल लोग धन, शक्ति एवं वैभव के मद में चूर हैं, जबकि मोह माया और अभिमान त्याग कर जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को कथा श्रवण करता है उस पर भगवत कृपा बरसने लगती है। कथावाचक श्री पांडे ने कटाक्ष किया कि आज की पीढ़ी के युवक प्रभु की कथा श्रवण के बजाय मोबाइल देखने में ही मस्त है। इसीलिए आज 20-25 साल आयु के युवक भी ब्लड प्रेशर व शुगर आदि के मरीज हैं और युवक कैंसर जैसे घातक रोग से ग्रस्त हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, फिर दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों पापों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कथा समाप्ति पर समिति के कृष्ण शंकर शुक्ल, विमल चंद्र शुक्ल, श्री प्रकाश शुक्ल, राज नारायण शुक्ला, सुरेश दीक्षित, मनोज तिवारी व महेश दीक्षित आदि सदस्यों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती कर श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद वितरित किया। उन्नाव से जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।